Fake air hostess. एक गांव में एक चोर रहता था। एक दिन वो जेल से छूटकर उस गांव में पहुंचा। वहां गांव वाले सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव वालों को देखकर डर के मारे, भाई भैया मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूं। अरे नहीं भाई, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं इस बार। तुम्हारी वजह से हमारा गांव काफी बदनाम हो चुका है। बस अब काफी हो चुका, अब तुम इस गांव को मशहूर करो। अपना जो रामू है ना, उसने तुम्हारे लिए दुबई में एक बहुत बढ़िया नौकरी ढूंढा है। अब तुम वहीं जाकर आराम से जिंदगी बसर करो। ये लो फ्लाइट टिकट के पैसे। कहकर उसे पैसे दिए। वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर फ्लाइट में चढ़कर बैठा। फ्लाइट में अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर्स के लगेज को देखकर मन में, अरे वाह इतना सारा माल, पता नहीं हर सूटकेस में क्या क्या माल छिपा के रखा हुआ है। बस देखते ही हाथ में खुजली हो रही है। अब यहाँ से दुबई जाने वाले लगेज से ज्यादा दुबई से आने वाले लगेज में माल ज्यादा होगा। अब मुझे फ्लाइट चोर बनना होगा, उसने ऐसा सोचा। फिर वो दुबई में जा उतरा। वहां उसने एक दुकान पर एयर होस्टेस के कपड़े खरीदे, फिर उसे एक ब्रीफकेस में रखा। उसके बाद नाई के दुकान में जाके क्लीन शेव कराया। उसके बाद सूट बूट पहनकर वो ब्रीफकेस को लेकर एयरपोर्ट जा पहुंचा। फिर वो फ्लाइट में चढ़ा। जैसे ही फ्लाइट हवा में उड़ने लगी तो वो अपना ब्रीफकेस लेकर बाथरूम में गया। अंदर जाकर उसने एयर होस्टेस के कपड़े पहने। तभी फ्लाइट लैंड हुआ। वो कुछ लगे चोरी छिपे लेकर वहां से निकला। चेकिंग पर भी उसे किसी ने नहीं रोका। उसे उन सूटकेसों में काफी सारा सोना और पैसे मिले। वो सोना बेचकर अपने दोस्त पवन के साथ मजे उड़ाने लगा। अरे तू पहले लोकल चोर था, अब तू इंटरनेशनल चोर हो गया है, यानी तुम बहुत ग्रेट हो गए हो यार। अरे मुझे समझ क्या रखा है, अब मैं इंडो दुबई चोर हूँ। चलो चलो जल्दी पियो, फिर सवेरे के फ्लाइट से मुझे दुबई जाना होगा। यूं वो हर रोज दुबई जाता। वापसी में फ्लाइट में एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर सूटकेस चुराकर वापस लौटता। एक दिन काफी ज्यादा चेकिंग होने लगी तो उसने कुछ दिनों के लिए चोरी बंद किया। अब उसकी मूछें उगाई। एक दिन फिर से पवन के साथ वो दारू पीने लगा। यार अब तो पुलिस भूल चुके होंगे, अब तुम दोबारा चोरी कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी मूछें बढ़ गई हैं, शेविंग करना ना भूलना। लेकिन इसे दारू चढ़ गई थी और ये झूमते हुए, तुम क्या कह रहे हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो कि तुम मुझे नसीहत दो। मैं इंडो दुबई चोर हूँ, मुझे पकड़ने वाला माइका लाल कोई अभी पैदा ही नहीं हुआ। कहकर नशे में ही वो दुबई का फ्लाइट चढ़ बैठा। दोबारा फ्लाइट चढ़ने से पहले शेविंग करना भूल गया। हवा में फ्लाइट में ब्रीफकेस लेकर वो बाथरूम के अंदर गया। वहां उसने एयर होस्टेस के कपड़े पहने। फ्लाइट लैंड हुई। वो जो लगेज हाथ लगा उसे लेकर जल्दी से निकला। चेकिंग के पास पुलिस ने उसे रोका। ए, ये क्या? एयर
होस्टेस को रोकते हो? आप लोग हर रोज मुझे देखते तो हो, आज अचानक मुझे क्यों रोका? अरे हाँ, आज तुम बिल्कुल अलग दिख रहे हो, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे मूछे नहीं थी ना। चोर कहीं के, इतने दिन चोरी तुम करते थे हा? कहकर उसका विग पकड़ कर खींचा, तब उसका असली रूप सबको पता चल गया। यूं वो फिर से जेल चला गया।